अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, नन्हे दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है हिंसी अशकाल। ये दूसरी में भी है और तीसरी में भी है, चौथी में तकरीबन तमाम क्लासों में है। और इसका कॉन्सेप्ट जब तक इसकी बेसिक, इसकी बुनियादी चीज़ समझ में नहीं आएगी, आगे की जो मशकें हैं अगली अगली क्लासों में वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको वाज़े हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मकब, मीम काफ एन बे। मकब, मकब क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। अब इसको तो हम कहते हैं मुस्ततील, आम जबान में, ज्योमेट्री की ज़बान में, इल्मे हिंसा की ज़बान में इसको हम कहते हैं मुस्ततील। इसमें हमको चौड़ाई मिलती है और लंबाई मिलती है, लेकिन मकब में हमको चौड़ाई और लंबाई के अलावा ऊंचाई भी मिलती है। अब हम इसको जो है ऊंचाई कहेंगे, ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे ऊंचाई, ठीक है। ये होगी इसकी चौड़ाई और ये होगी इसकी लंबाई। तो मकब में तीन चीज़ें होती है, इसमें लंबाई भी रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी और ऊंचाई भी रहेगी, ठीक है। और ये जो है इसके, ये जहाँ पर दो दीवारें मिल रही है, ये और ये, तो ये जहाँ पर ये लकीर और ये लकीर मिल रही है इसको कहते हैं कोना, ठीक है। ये सब इसके कोने हैं। और ये जो हमको लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये जितनी भी तकरीबन लाइन है, इन सभी लाइन को हम कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं? किनारा। और इसको हम कहते हैं कोना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी शक्ल आती है हमारी मखरूत की। मखरूत, जोकर की टोपी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। ये है हमारा मखरूत, आइसक्रीम का कोन, मेहंदी का कोन, ये सब मखरूत में आता है, ठीक है। इसके अंदर जो बनावट आपको दिखाई दे रही टोपी की तरह, इसको कहते हैं मखरूत। इसका एक ही किनारा होता है और एक ही कोना होता है। कोना यहाँ पर हम देखेंगे ये है, और ये चूँकि राउंड शेप में है, ये जो आपको लकीर दिख रही है आपको ऐसा देखने में लगेगा ये दो किनारे हैं, लेकिन ये दो किनारे नहीं, इसका एक ही किनारा है, ठीक है। मखरूत के लिए आपको याद रखना है एक किनारा और एक कोना, इतना ही इसके अंदर रहता है। ये जो हिस्सा है जो राउंड शेप में ये जो मुड़ा हुआ है इसको हम खमदार कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये मुड़ा हुआ हिस्सा है और राउंड शेप में है, इसको हम कहते हैं खमदार। तीसरी में इसी के लिए लफ्ज़ आया है मुनहनी, ठीक है। खमदार, मुनहनी, या हम इसको कहेंगे राउंड शेप। तो ये हो गया मखरूत। अब इसके बाद हम देखते हैं मुदव्वर इस्तवाना। मुदव्वर इस्तवाना, ठीक है। ये क्या रहता है, इसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं सिलेंडर। आप लोग के घर में गैस का बाटला आता है वो भी मुदव्वर इस्तवाना है। यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये बिल्कुल सपाट होता है, इसको हम कहते हैं हमवार, प्लेन, इंग्लिश में हम कहेंगे प्लेन, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे का भी हिस्सा, ये भी प्लेन होता है, ठीक है। तो इस तरह इसके दो हिस्से प्लेन होते हैं यानी हमवार होते हैं, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये राउंड शेप में होता है यानी खमदार होता है। ये कैसा होता है? खमदार। तो इस तरह से इसके अगर हम देखेंगे तो हमको
दो किनारे मिलेंगे लेकिन कोना एक भी नहीं मिलेगा। इसके दो किनारे हमको मिलेंगे, दो किनारे, और कोना जो है वो हमको एक भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो कोना। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन शक्लें हमने आज देखे। स्टैंडर्ड सेकंड में ये चैप्टर है, ये सबक है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी जो है इनसी अशकाल पर जो सवाल आते रहेंगे मैं लेकर आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक